आज इस वीडियो के इस पार्ट में बात करेंगे 10+2 की फ्लैमिंगो जो बुक है उसके सिक्स्थ लेसन की पोइट्स एंड पैनकेक। ये एक मिस्ट्री है, रहस्य है, पोइट्स और पैनकेक नाम क्यों दिया गया है। ये एक स्टोरी है एक स्टूडियो की जो तमिल फिल्म बनाने के काम करते थे और राइटर अपने राइटर जो अशोका मित्र वहाँ पे जॉब करते थे, सर्विस करते थे। ये उन दिनों के अपने अनुभव बताते हैं वहाँ के बारे में, क्या कहेंगे। अशोका मित्र का जो जन्म हुआ था 1931 में हुआ था, ये तमिल राइटर हैं। रिकाउंट होता याद करना हिज ईयर्स एट जिमनी स्टूडियो में जब ये काम करते थे, जिमनी स्टूडियो की ही सारी कहानी है। तो उन दिनों को याद करते हैं इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस, ये किताब का नाम है जिसके अंदर से लिया गया है, विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द मूवीज, जिसमें बात की गई है इन्फ्लुएंस प्रभाव की मूवीज की, फिल्मों की, ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, प्रत्येक पहलू के ऊपर जिंदगी के इन इंडिया में, इंडिया के प्रत्येक लाइफ पे कहाँ पे इसका प्रभाव पड़ता है फिल्मों का। द जिमनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई में, लोकेटेड होता स्थित किया चेन्नई में स्थित था, मद्रास जिसको हम कहते हैं, वह सेट अप इन 1940 में इसकी स्थापना हुई थी। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस होता प्रभावशाली बढ़िया फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, फिल्म बनाने वाला संगठन था ये सबसे बढ़िया ऑफ इंडिया का। इन द अर्ली डेज ऑफ द इंडियन फिल्म मेकिंग, जब स्टार्ट में इंडियन फिल्म बनने लगी थी तो प्रारंभ में ही था ये। इट्स फाउंडर वाज एसएस वासन, इसके फाउंडर थे, इनकी स्थापना जो है मालिक थे इसके एसएस वासन। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन जो हमारे राइटर्स हैं, इनकी ड्यूटी थी, इनका काम था जिमनी स्टूडियो में वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग, न्यूज़पेपर अखबार में जो समाचार होते थे इससे स्टूडियो से रिलेटेड उनकी कटिंग करनी थी, ऑन द वाइड वैरायटी ऑफ अनेक प्रकार के विषयों के ऊपर भी, एंड स्टोर देम इन ए फाइल, और उन सब कटिंग को एक फाइल में रखना इनका काम था बस। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाई हैंड, कई सारी जो इनको हाथ से भी लिखनी पड़ती थी। ऑल्दो ही परफॉर्म एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, यदि परफॉर्म होता करना इनसिग्निफिकेंट होता महत्वहीन जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है फंक्शन, ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ जिमनी फैमिली, परंतु वेल इन्फॉर्म होता पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा इन्फॉर्म पर्सन था ये जिमनी फैमिली में, जितने भी लोग थे जिमनी स्टूडियो में सबसे टैलेंटेड पर्सन था। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट होता पार्ट अंश फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विद बोस, इस किताब से एक पार्ट अंश लिए गए हैं, इसके अंदर वो बताएंगे। अब कुछ मीनिंग दिए गए हैं, ब्लू ओवर्स होता है गुस्से हो जाना, एकदम क्रोध हो जाना, कैटापुलेटेड इनटू होता है उठाना, अपने आप को स्थिति तक उठाना, कहीं पे बड़े लेवल पे लेके जाना, प्लेड इनटू देयर हैंड, किसी के हाथ के काम करना, किसी के कहने पर किसी का कठपुतली होना, कह ले हियर ए बेल रिंग, मतलब दिमाग में कोई चीज एहसास होना, घंटी की तरह आवाज एहसास आना, वाज स्ट्रक डम होता भोचक्का रह जाना, एकदम सरप्राइज हो जाना, ए कोट ऑफ मेल होता जिस प्रकार डाक वालों का एक कोट होता है वैसा होता है, ए फेवरेट होता पसंदीदा हांट होता है ठिकाना, पसंदीदा ठिकाना जो लोगों का होता है उसको फेवरेट हांट कहते हैं। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जिमनी स्टूडियो बोट इन ट्रंक लोड, पैनकेक जो एक ब्रांड नेम था ये, जिस प्रकार लाइफ बॉय या कोई भी नाम है किसी प्रकार का, जैसे कोका कोला हम कह देते हैं, उस प्रकार ब्रांड नेम था ये, जैसे पेप्सोडेंट ले ले हम या कोलगेट कह दें, ये एक ब्रांड नेम है, वाज ए ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल, ये जो पैनकेक जो एक ब्रांड नेम था मेकअप मटेरियल का, क्योंकि वहां स्टूडियो में मेकअप मटेरियल चाहिए था, दैट जिमनी स्टूडियो बोट इन ट्रंक लोड, ट्रंक भर भर के वहां पे पैनकेक का जो मटेरियल था वो आता था। ग्रेटा गैरबोस मस्ट हैव यूज इट, इसने ग्रेटा गैरबो को, हीरोइन है स्विट्जरलैंड की कहीं की, स्वीडिश एक्ट्रेस है, इसने यूज किया होगा। मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहर ने भी यूज किया होगा। वैजयंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट, कि वैजयंती माला अपनी हीरोइन है कि शायद इन्होंने भी यूज किया होगा। बट रति अग्निहोत्री जिसको हम कहते हैं, मे नॉट हैव इवन हियर्ड ऑफ इट, शायद उन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना हो। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जिमनी स्टूडियो वॉज इन द अपस्टेयर ऑफ द बिल्डिंग, मेकअप डिपार्टमेंट जो था जिमनी स्टूडियो में अपस्टेयर सीढ़ियों के ऊपर था, ऑफ द बिल्डिंग के सीढ़ियों के ऊपर था ये। दैट वॉज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल, ये माना जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो थे ये गवर्नर जनरल रहे अंग्रेजों के, कि इनका स्टेबल होता अस्तबल, घोड़े बांधने का अस्तबल होता था यहाँ, ऐसा कहा जाते हैं। ए डजन अदर बिल्डिंग, दर्जनों दूसरी बिल्डिंग भी इन द सिटी, इस शहर के अंदर दर्जनों दूसरी बिल्डिंग भी आर said to have been his residence, ऐसा कहा जाता है कि उनका रॉबर्ट क्लाइव का वो रेजिडेंस रही है। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, की छोटी सी जिंदगी यहाँ पे उन्होंने व्यतीत की, एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास, और उसमें भी कुछ समय, थोड़े समय के लिए मद्रास में रुके थे रॉबर्ट क्लाइव, सीम्स टू हैव डन ए लोट ऑफ मूविंग, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जगह पे मूविंग इन्होंने बहुत ज्यादा की, कभी कहीं ये घूमे हैं। बिसाइड इसके अतिरिक्त फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल, कि उन्होंने कुछ असंभव लड़ाइयां भी लड़ी हैं इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया, भारत के दूर दूर कोनों में उन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी हैं, एंड मैरिंग ए मैडन, और एक लड़की से शादी की इन सेंट
सेंट्स मैरी चर्च में इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास के अंदर ये चर्च है जहां पे उन्होंने एक लड़की से शादी की थी। द मेकअप रूम हैड एन लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून। मेकअप रूम जो था ना, जो मेकअप का कमरा था, वो एक हेयर कटिंग सैलून होता जिस प्रकार एक नाई की दुकान होती है वैसा नजर आता था। विद लाइट्स एट ऑल एंगल, हर कोण से उस पर लाइट पड़ती थी। अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर, लगभग हाफ ए डजन छह बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे, मिरर जिसको हम कहते हैं दर्पण। देवर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट, होता तीव्र प्रकाश फेंक रहा, बहुत ज्यादा लाइट पड़ती थी उनके ऊपर। सो यू कैन इमेजिन, तो तुम इमेजिन होता कल्पना करना, कि आप कल्पना कर सकते हैं द फियरी मिजरी, कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, जिन लोगों का मेकअप होता था, जो सब्जेक्टेड होते थे, जिनको मेकअप किया जाता था, कितने कष्ट झेलने पड़ते थे। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाई एक बंगाली, मेकअप डिपार्टमेंट में सबसे पहले एक बंगाली उसका हेड होता था। हु बिकेम्स टू बिग फॉर ए स्टूडियो एंड लेफ्ट, वो जो बड़ा आदमी बन गया था और वो स्टूडियो छोड़ के चला गया। ही वॉज सक्सीडेड बाई ए महाराष्ट्रियन, उसके बाद जो सक्सीडेड हो उत्तराधिकारी, उसके उत्तराधिकारी बने एक महाराष्ट्र की। हु वॉज असिस्टेड बाई धारवाड़ के द्रविड़ लोग, कन्नाडिगास कन्नड़ लोग, एंड आंध्रा और एक आंध्रा, मतलब कई जगह के लोग, कई शहरों के लोग, कई राज्यों के लोग थे। ए मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल, और आम तमिल लोग भी होते थे, मतलब लगभग साउथ इंडिया के सभी के लोग वहाँ पे थे। ऑल दिस शोज दैट देयर वॉज ए ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, इससे ये पता लगता है, नेशनल होता राष्ट्रीय, इंटीग्रेशन होता एकता। लॉन्ग बिफोर AIR और था ऑल इंडिया रेडियो, और दूरदर्शन ने जब नेशनल इंटीग्रेशन की बात करनी शुरू कर दी, उससे पहले जिमनी स्टूडियो में नेशनल इंटीग्रेशन देखी जा सकती थी। वहां पे हर राज्य के बच्चे लोग हैं, वहां पे नौकरी करते थे, उसके अंदर इकट्ठे मिलके रहते थे। दूरदर्शन बिगेन टू ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, उससे पहले AIR ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने प्रसारित करने शुरू कर दिए प्रोग्राम राष्ट्रीय एकीकरण के ऊपर, राष्ट्रीय एकता के ऊपर। तो जिमनी स्टूडियो में उससे पहले ही वो चीजें देखी जा सकती थी। दिस गैंग ऑफ नेशनलिटी इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, ये एक समूह गैंग, एक समूह नेशनली राष्ट्रीय तरीके से इंटीग्रेटेड जुड़े हुए मेकअप मैन जो थे, ये कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, कोई भी डिसेंट होता बढ़िया दिखाई देने वाला आदमी, इन टू हिडियस होता भयानक सा, क्रिमिशन होता गहरे लाल रंग का, ह्यूज होता रंग, मोनस्टर मतलब गहरे लाल रंग का, और राक्षस बना सकते थे किसी को भी बढ़िया से दिखाई देने वाले आदमी को। विद द हेल्प ऑफ ट्रंक लोड ऑफ पैनकेक, वो ट्रंक भर भर के जो मटेरियल आता था मेकअप मटेरियल, उसको यूज करके बढ़िया से बढ़िया आदमी को भी एक भूरा सा राक्षस की तरह बना देते थे। एंड ए नंबर ऑफ अदर, एक पैनकेक यूज करते थे और दूसरे भी यूज किए जाते थे। एंड ए नंबर ऑफ अदर, और दूसरे बहुत से लोकल जो बनते थे स्थानीय, मेड पोशन एंड लोशन, मतलब पोशन लोशन मलहम वगैरह जो लगाते थे, मटेरियल होता था ये भी, उसको यूज करते थे जो लोकल बनते थे। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, उन दिनों में इंडोर शूटिंग होती थी, इंडोर का मतलब एक स्टेडियम के अंदर अंदर होती थी। एंड ओनली 5% ऑफ फिल्म वाज शूट आउटसाइड, केवल 5% जो है बाहर आउटडोर होती थी शूटिंग। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवीज। आई सपोज मेरा अनुमान है द सेट्स एंड स्टूडियो जो उनका था, जो मेकअप करते थे, स्टूडियो की लाइट्स थी, उसकी नीडी जरूरत थी लड़के और लड़कियों की, टू बी मेड इस प्रकार बनाया जाए, टू लुक अगली कि वो भद्दे दिखाई दें, इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। प्रेजेंटेबल होता प्रस्तुत करना, कैसे नजर आए, ताकि उनको मूवी में मीन्स फिल्म में अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। स्ट्रिक्ट हायरार्कीज, हायरार्की उतरा मतलब क्रम संख्या, रैंक वाइज जिसको हम कहते हैं, मैं पहले DC फिर SDM, ऐसे रैंक वाइज में SP DSP ऐसे, वाज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर स्ट्रिक्ट हायरार्की थी, क्रमबद्ध डेजिनेशन के तरीके से काम करते थे, मेंटेन होता कायम रखना मेकअप डिपार्टमेंट में। द चीफ मेकअप मैन, जो सबसे बड़ा मेकअप मैन होता था, मेड द चीफ एक्ट्रेस एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस अगली, उसका काम होता था जो प्रमुख एक्टर और एक्ट्रेस है, अभिनेता और अभिनेत्री है, उसको मेकअप करता था, अगली करता मीन्स भद्दा करता था, वो होता था मेन आदमी जो होता था, हेड होता था। हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो, उसका जो नीचे असिस्टेंट होता था सीनियर, जो प्रमुख वरिष्ठ होता था असिस्टेंट सहायक, सेकेंड हीरो हीरोइन की मेकअप करता था, अगली बनाता था। जूनियर असिस्टेंट जो होता था, असिस्टेंट के भी दो पद, एक सीनियर का एक जूनियर का सहायक।
द मेन कॉमेडियन, ये जूनियर असिस्टेंट जो कॉमेडियन जो हंसी का रोल करते थे उनकी करता था एंड सो फोर्थ। इस प्रकार एरर की जो है इस प्रकार होती थी उनकी। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, जो प्लेयर्स होते थे जो भीड़ का रोल अदा करते थे क्राउड का, वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, इनका मेकअप करना उत्तरदायित्व तो होता था। एक ऑफिस बॉय एक पद था, उसका काम होता था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जिमनी स्टूडियो का, यहां तक मेकअप डिपार्टमेंट जो था हैड एन ऑफिस बॉय, यहां भी एक ऑफिस बॉय था, एक डेजिनेशन है ये। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, जिस दिन जिन दिनों में क्राउड शूटिंग भीड़ की शूटिंग होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट, तुम देख सकते हो मिलाते हुए, उसको पेंट मिलाते हुए देखा जा सकता था। इन जॉइंट बड़े बड़े वेसल्स होता है बर्तन, बड़े बड़े वेसल्स मतलब बड़े बड़े बर्तनों में वो मिलाता था। एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर, और उसको थप्पड़ मारता हुआ फिरता, स्लैपिंग होता थप्पड़ मारना, इट ऑन द क्राउड प्लेयर, जो भीड़ का रोल अदा करता था उनके ऊपर पेंट में धसा कर उनको मारता था वो मुंह पे। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस, ये विचार था कि प्रत्येक छेद, पोर होता छेद, ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस, किसी भी चेहरे के ऊपर जो भी छेद है वो भी भरा जाना चाहिए। इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, इस प्रक्रिया में जब वो अप्लाइंग मेकअप करता था ना, मतलब इस तरीके से वो पेंट को लगाता था कि अगर कोई छोटा भी छेद है ना वो भी भर जाता था। ही वाजेंट एग्जैक्टली ए बॉय, वो वास्तव में एक लड़का नहीं था। ही वॉज इन द अर्ली फोर्टीज, वो 40 साल से ऊपर का था। Having entered the studio में आया था years ago, वर्षों पहले। इन द होप इस आशा में वो बिकमिंग ए स्टार एक्टर, वो भी एक बड़ा अभिनेता बनना चाहता था, अरे टॉप स्क्रीन राइटर, या फिर वो स्क्रीन राइटर मतलब फिल्में लिखने वाला बनना चाहता था, डायरेक्टर निर्देशक, अरे लिरिक राइटर मतलब संगीत लिखने वाला बनना चाहता, इस प्रकार के वो भी ये होप लेके आया था। ही वॉज ए बिट ऑफ पोइट, थोड़ा बहुत वो कवि भी था। इन दोज डेज, उन दिनों में आई वर्कड इन ए क्यूबिकल, ये राइटर्स हमारे अशोका मित्रन कहते हैं कि मैं क्यूबिकल एक छोटा सा कमरा उसमें काम करता था। टू होल साइड ऑफ विच, जिसके दो तरफ पूरी की पूरी वर ए फ्रेंच विंडो, हो फ्रेंच विंडो लगी हुई थी। आई डिडेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडो, उस समय मैं नहीं जानता था कि इनको फ्रेंच विंडो कहा जाता है। सीइंग मी सीटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर, सीइंग मी मुझे देख के सीटिंग एट माई डेस्क, मैं अपनी मेज पे बैठा रहता था, टीयरिंग अप न्यूज़पेपर अखबार फाड़ता रहता था, डे इन डे आउट रोज यही काम था मेरा। मोस्ट पीपल थॉट, अधिकतर लोग सोचते थे आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बेकार में बैठा हुआ हूँ। इट वॉज लाइकली दैट द बोस थॉट लाइक वाइज टू, ये संभावना है, लाइकली संभावना है कि हमारा जो वासन जी थे वो भी शायद यही सोचते थे। सो एनीवन हू फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, तो जो भी कोई सोचता था कि मुझे आई शुड बी गिवन, मुझे दिया जाए, हू फेल्ट जो महसूस करता था कोई भी आदमी, मुझे दिया जाए सम ऑक्यूपेशन होता काम, वुड बार्ज इन टू होता मुसीबत में डालना या हस्तक्षेप करना, एकदम दखलंदाजी करना, माई क्यूबिकल, ये एक अतिक्रमण होता था मेरे कमरे में, परेशानी करने वाली बात होती थी। एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और एक बड़ा सा मुझे भाषण दे देते थे। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट में, जो लड़का था हैड डिसाइड, उसने निर्णय किया आई शुड बी इनलाइटेड, कि मुझे बताया जाए, मुझे ज्ञान दिया जाए थोड़ा सा, आई शुड बी इनलाइटेड, कि मुझे बताया जाए, थोड़ा सा प्रज्वलित किया जाए, प्रकाश दिखाया जाए, ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, कितना प्रतिभाशाली प्रतिभावान आदमी, लिटरेरी साहित्यिक प्रतिभावान आदमी वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट इन द डिपार्टमेंट, कि यहाँ पे इसको वेस्ट बर्बाद किया जा रहा है इस विभाग के अंदर, फिट फॉर ओनली बार्बर्स एंड परवर्ट, की केवल जो नाइयों के लिए और परवर्ट्स के लिए कामयाब है, ये जो नाइयों के लिए और विकृत किस्म के आदमी होता है परवर्ट बिगड़ैल से जिसको हम कहते हैं, उनके लिए है। सुन आई वॉज प्रेइंग, मैं शीघ्र ही प्रार्थना करता था फॉर क्राउड शूटिंग, की भीड़ की शूटिंग होने लग जाए, ऑल द टाइम हर समय भीड़ की शूटिंग रहेगी तो ठीक रहेगा, मैं तो हमेशा यही प्रार्थना करता था। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिंग, एपिक होता महाकाव्य जिसको, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट, इस प्रकार की कोई भी चीज अदरवाइज मुझे उसके ये महाकाव्य सुनने से नहीं रोक सकती थी। इन ऑल द इंस्टांसिस, सभी उदाहरणों के अंदर, ऑफ फ्रस्ट्रेशन, परेशानी के, निराशा के, यू विल ऑलवेज फाइंड, तुम हमेशा पाओगे, द एंगर डायरेक्टेड टुवार्ड ए सिंगल पर्सन, जो गुस्सा है एक सिर्फ एक आदमी की तरफ निकलता था ओपनली, चाहे वो खुले रूप से हो, और कवर्टली होता है चाहे छुपे हुए रूप से हो। एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस, और ये आदमी मेकअप डिपार्टमेंट का वॉज कन्विंस, इसको विश्वास दिला दिया गया था दैट ऑल हिज वोज, कि इसके सारे के सारे दुख, वोज, कष्ट, इग्नोमिटी, इसकी बदनामी एंड नेगलेक्ट और उपेक्षा वर ड्यू टू
कोथ मंगलम सुबु, ये कोथ मंगलम सुबु की वजह से ही सारी, अब ये कोथ मंगलम सुबु ही रहेंगे सारे के सारे, इनकी वजह से परेशानी है। सुबु वाज नंबर टू एट जिमनी स्टूडियो में, नंबर दो पे मिस्टर वासन के बाद इन्हीं का नंबर आता था। ही डिडंट हैव हैड ए मोर इंक्रीजिंग ओपनिंग इन फिल्म, उनका फिल्मों में बहुत बढ़िया सा एकदम ओपनिंग नहीं हुआ था, मतलब प्रारंभ उनका बढ़िया इंक्रीजिंग प्रोत्साहनपूर्ण नहीं हुआ था, देन और ग्रोन अप मेकअप बॉय है, जिस प्रकार हमारे नौजवान मेकअप बॉय का हुआ था। ऑन द कॉन्ट्रेरीज के विपरीत, कॉन्ट्रेरी होता विपरीत, ही मस्ट हैव हैड टू फेस, उसका सामना करना पड़ा होगा मोर अनसर्टेन अनिश्चित एंड डिफिकल्ट टाइम, बहुत मुश्किल का सामना उसने गुजारा होगा। फॉर वेन ही बिगेन हिज कैरियर, जब उसने अपना कैरियर अपना भविष्य शुरू किया था, देर वर नो फार्मली एस्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी, उस समय पे वहां पे कोई फार्मली एस्टेब्लिश फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी, इस प्रकार की फिल्में नहीं होती थी जो स्थापित अच्छी तरीके से स्थापित हों, और स्टूडियो ना ही स्टूडियो होते थे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, यहां तक पढ़ाई की बात है, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, विशेषकर औपचारिक शिक्षा थी उसके पास। सुबु कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय, कि सुबु का नहीं होना चाहिए कोई एप्रिशिएबल प्रशंसनीय, मतलब हमारे जो ऑफिस बॉय था उससे बड़ा नहीं था कुछ भी काम, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था वैसे, बट बाई वर्च्यू होता गुण ओ बींग बोर्न ए ब्राह्मण, परंतु एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ये गुण उसके पास था, ए वर्च्यू ए गुण इन डीड, वास्तव में एक बड़ा गुण उसके पास था। ही मस्ट हैव एन एक्सपोजर, होता प्रकट होना, टू मोर एफ्लुएंट, होता समर्थशाली सिचुएशन परिस्थिति में वो प्रकट, तो इसी वजह से बड़ी स्थिति में अपने आप को प्रकट कर लेता था, एंड पीपल्स और लोगों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ उसकी जान पहचान थी। ही हैड द एबिलिटी, उसके अंदर योग्यता थी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम, हर समय पे खुश मिजाज नजर आता था, एंड इवन हैविंग हैड ए हैंड इन ए फ्लोप, होता है असफल फिल्म, अगर उसका हाथ किसी फ्लोप फिल्म में भी, असफल फिल्म में भी रहा है, फिर भी हमेशा खुश नजर आता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, हमेशा हर किसी के लिए काम उसके पास होता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, अपने आप कुछ नहीं करता था, बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, होता वफादारी, परंतु वफादार इतना था, मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द प्रिंसिपल, कि प्रमुख आइडेंटिफाई था, पहचान होना उसके प्रमुख बॉस जो था उसके साथ पहचान थी कंप्लीटली पूर्ण तरीके से, एंड टर्न हिज इंटायर क्रिएटिविटी, और बदलता था अपनी इंटायर पूरी की पूरी क्रिएटिविटी रचनात्मकता को टू हिज प्रिंसिपल एडवांटेज, अपने जो प्रिंसिपल था प्रमुख जो था मुखिया उसके लाभ के लिए अपनी सारी की सारी ताकत लगा देता था। ही वाज टेलर मेड फॉर, फिल्मों के जो टेलर बनाते थे, मतलब थोड़े थोड़े एपिसोड जो है ना बढ़िया बढ़िया से उसके निकाल के और पहले रिलीज होने से पहले दिखा देते हैं, उसको टेलर कहते हैं, फिल्मों के टेलर बनाता था। हियर वाज ए मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड, कि यहां पर एक आदमी था जिसको प्रेरित किया जा सकता था, व्हेन कमांडेड, मतलब जब इसको आदेश दें कोई काम कहें तो ये प्रेरित हो जाता था। जिस प्रकार द रैट फाइट्स द टाइग्रेस, की भी एक सीन दिखाना है, एक बिल्ली जो है चूहा फाइट्स द टाइग्रेस से लड़ता है, एंड अंडर वाटर पानी के नीचे एक रैट की और टाइग्रेस की लड़ाई दिखानी है, एंड किल्स हर, और उसको टाइग्रेस को चूहा मार देता है, बट टेक्स पीटी ऑन द कल्स, परंतु उसके कब होता बच्चे, शेर के बच्चे होते हैं उनको कब्स कहते हैं टाइग्रेस के बच्चों को, एंड टेंड्स देम लवली, परंतु उनके बच्चों पे रहम करता है और उनको बड़े प्यार से पालता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन्स, द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर उसे कहता था मैं नहीं जानता भी सीन को करना कैसे है। एंड सुबु वुड कम आउट विद फोर वेज, और उसको सुबु जो है डायरेक्टर को चार रास्ते बता देता था, ऑफ द रैट पोरिंग्स अफेक्शंस, की रैट चूहा जो है पोरिंग होता डालना उड़ेलना, अफेक्शन किस प्रकार स्नेह देगा, ऑन इट्स विक्टम अपने शिकार पर, ऑफ सफरिंग होता है बच्चे, कि उसके जो शिकार जिसका किया था टाइग्रेस को उसके बच्चों के ऊपर कैसा अपना स्नेह दिखाएगा, वो कम से कम चार विकल्प बता देता है। गुड, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर, परंतु मुझे पक्का विश्वास नहीं है इट इज इफेक्टिव है ना, कि प्रभावित रहेगा कि नहीं रहेगा। द प्रोड्यूसर वुड से, प्रोड्यूसर कहता था भी पक्का तो नहीं है ठीक रहेगा नहीं रहेगा। एंड इन ए मिनट सुबु वुड कम आउट, और एक मिनट में ही सुबु जो ले आता था विद 14 मोर अल्टरनेटिव, 14 और विकल्प, अल्टरनेटिव था विकल्प, 14 और नए विकल्प उसको बता देता था प्रोड्यूसर्स को। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वाज सो इजी विद ए मैन लाइक सुबु, की फिल्म बनाना जो है सुबु जैसे आदमी के साथ बहुत आसान था, अराउंड जो चारों तरफ सुबु जैसा आदमी हो तो। एंड इफ एवर देर वाज ए मैन हु गेव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जिमनी स्टूडियो, अगर कोई आदमी था जो निर्देश देता था परिभाषा देता था जिमनी स्टूडियो को ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर, जब उस जिमनी स्टूडियो का सुनहरी वर्ष होते थे, इट वॉज सुबु ही था वो। सुबु हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी, सुबु की एक सेपरेट होता अलग से आइडेंटिटी पहचान थी एज ए पोइट, एक कवि के रूप में।
एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ, यद्यपि वो सर्टेनली निश्चित रूप से कैपेबल सक्षम था ऑफ, सुबू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी, कि सुबू की एक अलग से पहचान थी एज ए पोइटिक कवि के रूप में, एंड दो ही वॉज सर्टेनली निश्चित रूप से कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म, यद्यपि वो कैपेबल सक्षम था, कॉम्प्लेक्स होता है जटिल एंड हायर ऊंचे दर्जे के रूपों के लिए भी वो सक्षम था. ही डेलिबरेटली होता है जानबूझ के चूज टू एड्रेस हिज पोएट्री, और जानबूझ के चुनता था अपनी कविताओं को सुनाता था टू द मासेस, भीड़ को, लोगों को, जनता को अपनी कविताएं सुनाता था. ही सक्सेस इन फिल्म, उसकी सफलता फिल्मों में ओवरशैडोड्स एंड ड्वाफ्टेड होता है छोटा करना, उसकी जो अचीवमेंट थी उसको छोटा कर दिया था. ही सक्सेस इन फिल्म, उसकी जो फिल्मों में सफलता थी ओवरशैडोड होता है छुपा देना, कम कर देना, एंड डॉफ्टेड होता है छोटा करना. हिज लिटरेरी अचीवमेंट, उसकी साहित्यिक प्रतिभाएं उसके नीचे दब गई थी, मतलब फिल्मों में इतना सफल हो गया था उसके जो कविताएं लिखने की चीजें थी वो छोटी पड़ गई थी. और सो हिज क्रिटिक फेल्ट, ऐसे उसके आलोचक, क्रिटिकों तक आलोचक फेल्ट महसूस करते थे ऐसा. ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी, उसने कई सारी वास्तविक कहानियां लिखी हैं, पोइम्स, कविताएं, इन फोक रिफ्रेंस होता है, मतलब जो स्थानीय टून होती है उसको कहते हैं देसी को, लोक गीत जिसको हम कहते हैं, एंड डिक्शन होता शब्दावली शुद्धता से, एंड आल्सो रोट सप्रॉलिंग होता बड़ा सा नोवेल उसने लिखा, सप्रॉलिंग होता बड़ा, थिलाना मोहनाम्बल्स, मोहनाम्बल्स थिलाना मोहनाम्बल्स उसने एक नोवेल लिखा है, विद डजन ऑफ वेरी डेफ्टली होता बड़ी चतुराई से, एस्ट अंकित करना करेक्टर, जिसने दर्जनों पात्रों को बड़ी चतुराई से उसने दर्शाया है. He's quite successfully recreated the moods. उसने सफलतापूर्वक recreated बनाया है मूड स्वभाव को एंड मैनर्स को इन देवदासीज के ऑफ द अर्ली 20th century के प्रारंभ में. He was an amazing actor, एक बहुत बढ़िया वो अभिनेता भी था. He never aspired होता इच्छा करना, लालसा करता. He never aspires to lead the roles, बड़े रोल करने की कभी इच्छा नहीं करता था. But whatever subsidiaries होता तो छोटे छोटे रोल उसको दे दिए जाते थे. He played in any of the film, किसी भी फिल्म में जो भूमिका छोटी मोटी देता था. He performed better than the supposed main player, जो प्रमुख एक्टर होते थे उनसे भी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता था. He had a genuine love for anyone, वास्तव में प्यार था इसका किसी को भी, who came across, जो इसको मिल जाता था, and his house was a permanent residence, और उसका घर जो है एक permanent स्थायी रूप से residence निवास था, for dozens of near and for relations, near and for होता है पास के, दूर के उसके रिश्तेदार, acquaintance जान पहचान के, दर्जनों लोग उसके घर पे रहते रहते थे. It seemed against Subbu's nature, ये सीबू के स्वभाव से बिल्कुल अगेंस्ट था, विपरीत था, टू बी हैव कॉन्सियस, कि इस बात को जानता हो, दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ दैम, कितने सारे लोगों को खाना खिला रहा है वो, इस बात को सहारा दे रहा है वो, इस बात को कभी नहीं सोचता था, ऐसा उसका स्वभाव नहीं था. सच ए चैरिटेबल होता दान देने वाला, इम्प्रोविडेंट होता मीतवई, जो पैसे कम खर्चे मैन आदमी था ये सुबू, एंड येट ही हैड एनिमीज, फिर भी इसके दुश्मन थे. वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, वह इस वजह से था क्या, इस वजह से था कि वो बहुत ज्यादा नजदीक था या उसके संबंध अच्छे थे बॉस के साथ थे? क्या से था? और वाज इट द जनरल डेमिनोर, या उसका उस सामान्य डेमिनोर होता व्यवहार था, दैट रिजेंबल्ड होता मिलना, शकल में मिलना, साइकोफेंट होता चापलूस, या फिर उसका जो व्यवहार था वो एक चापलूस की तरह मिलता था, क्या इस वजह से था? और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग, या फिर उसको वह तैयार रहता था बढ़िया चीज कहने के, अबाउट एवरीथिंग, हर किसी चीज के बारे में बढ़िया चीज कहने के लिए तैयार होता था. इन एनी केस, किसी भी मामले के अंदर, देर वॉज दिस मैन, यहाँ पर वो आदमी था इन द मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर, हु वुड विश, जो इच्छा करता था, डायरेक्ट होता बुरी चीज होना, थिंग्स फॉर सुबू के लिए, जो हमेशा ये चाहता था कि इसके साथ मुसीबत आ जाए, इस प्रकार की चीजें वो सुबू के साथ चाहता था. अब करते हैं क्वेश्चन सर की डिस्कस, नेक्स्ट पार्ट जो है अगले पार्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा इसके अंदर, अदरवाइज दो पार्ट में बना लेते हैं. फर्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द राइटर मींस बाय द फियरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप. यहाँ पे फर्स्ट पार्ट से दिया गया है कि जिसका मेकअप किया जाता था, हाफ ए डजन मिरर वहां पे लगे हुए थे, लाइट हर एंगल से पड़ती थी, मतलब जिसको भी प्रेस, मतलब जिसका भी मेकअप करना होता था उन पर्सन के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत थी, क्योंकि लाइट हर साइड से पड़ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा कठिनाइयां झेलनी पड़ती थी, इसलिए उसने फियरी मिजरी कहा है, बहुत ज्यादा मुसीबत सहन करना. वट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर्स रेफर टू,
इंटीग्रेशन के क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे कि वो महाराष्ट्र के कोई बंगालीज कोई तमिल्स ये लोग वहाँ पे काम करते थे, अलग अलग शहरों के, आंध्रा प्रदेश के भी थे, ये नेशनल इंटीग्रेशन था। ऑल इंडिया रेडियो ने प्रसारित करना शुरू कर दिया। उससे पहले भी जो है ना बर्मा के भी लोग, महाराष्ट्र के लोग, आंध्रा प्रदेश के वहाँ से बंगाली लोग भी वहाँ पे काम करते, तो हर राज्य से लोग आते थे, इसलिए नेशनल इंटीग्रेशन कहा है उसने। वट वर्क डिड द ऑफिस बाय डू, इन जिमनी स्टूडियो में क्या काम करता था, ये क्राउड का मेकअप करता था। वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियो में, क्यों आया था, कि बड़ा स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था, बड़ा हीरो बनना चाहता था। वाई वॉज ही डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड हो गया क्योंकि वो अपने काम में सफल नहीं हुआ था, वो मेकअप डिपार्टमेंट में ही काम करता था, वो अपना टाइम जो है वहीं पर वेस्ट करता था। वाई डिड द ऑथर्स अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट स्टूडियो, भाई हमारे लेखक महोदय जो कुछ भी काम करते हुए प्रतीत नहीं होते थे, कि हर कोई आदमी यही सोचता था, क्योंकि इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी जिमनी स्टूडियो में, यही दी गई थी कि जो कटिंग आती है, जो मेन्स रिलेटेड न्यूज हैं, उनको कटिंग करके एक फाइल में लगा के रखना है। तो हर कोई आदमी यही सोचता था कि शायद ये कुछ नहीं करते, बेकार में बैठे रहते हैं। नेक्स्ट पार्ट की चर्चा जो की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उसके डिटेल में बातें होंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी इसके साथ में डाले जाएंगे, कि बड़ा मैटर स्टडी मटेरियल ज़्यादा ना हो जाए इस वजह से इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डाला गया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कॉमेंट लिख सकते हैं, और इस रिगार्डिंग अकेडमिक लाइन से या ग्रामर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं साइंस की मैथ्स की, तो आप उसमें बोल सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं उन चीज़ों को।